हेडलाइट भी न्यू डली है, इंडिकेटर भी न्यू डला है। जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो एलॉय जो था वो टेढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें एलॉय भी न्यू डलवाया हुआ है। डिस्क भी टेढ़ी हो गई थी तो डिस्क भी इसमें न्यू डलाई हुई है। 3-4 साल मैक्सिमम है ना। ओ भाई यहाँ पे स्लिप देख रहे हैं कितनी है, इन्होंने टिप्पर पे कितनी बड़ी जेसीबी बांध के रखी है, ये देख रहे हो। थोड़े दिन पहले इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी थी, अब देख रहे हो भाई बर्फ वगैरह कुछ रही नहीं है। सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका फिर से मेरे आज के एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए। सो गाइस चेक करो, आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई कुछ इस तरह की लोकेशन से। एंड गाइस मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले व्लॉग में बोला था कि 2 या 3 दिन में हमें अपनी बाइक की डिलीवरी मिल जाएगी। एंड गाइस मैंने आप लोगों को बोला था जिस दिन हमें अपनी बाइक मिलेगी उसके अगले दिन हम निकल जाएंगे एक लॉन्ग राइड पे। बट मैंने आप लोगों को बताया नहीं था हम कौन सी जगह पे जा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज अभी भी नहीं बताना। तो चलो गाइस जब हम निकलेंगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कहाँ पे निकलना। बाकी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, ठीक है ना। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप भी बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। जिन्होंने भाई बोला था कि भाई हंटर कब आएगी हंटर कब आएगी, वो लोग ना बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो सबसे पहले भाई ये चीज आज दो है इस व्लॉग में, एक है कि अभी दिखाएंगे क्योंकि गाइस अभी हम दोनों सरप्राइज साथ में नहीं बता सकते, पर एक तो पता चल जाएगा आपको जब हम पूछेंगे वहां पे। और एक आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ, तो ये चेक मारो। तो गाइस ये चेक करो, यहाँ पे लगी है हमारी H2, देख सकते हो भाई। गाइज इसने ना बहुत ज्यादा परेशान लाया था मेरे को, कम से कम भी 4.5 महीने के बाद ये बाइक हमें मिली है। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस बाइक में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या क्या इंश्योरेंस में मिला था। सबसे पहले भाई ये चेक करो, इसमें भाई ये फेस डला हुआ है, देख सकते हो भाई कितना प्यारा फेस आ रहा है। ये उस दिन पूरा ही टूट गया था। ये मीटर जो है ये भी इसमें न्यू डला है, ये भी मीटर टूट गया था, मतलब कि पूरा इधर से निकला नहीं था पर ये इधर से क्रैक हो गया था। और ये जो उसका मडगार्ड है ये भी इसमें न्यू डलाया क्योंकि ये भी टूट गया था, क्रैक हो गया था। फिर ये भी लिया, जो शॉकर है ना शॉकर इसके जो थे वो टेढ़े हो गए थे। फिर मैंने इंश्योरेंस में मैंने न्यू शॉकर नहीं लिए थे क्योंकि जो शॉकर थे वो बहुत ही ज्यादा महंगे थे, कम से कम भी 20,000 से भी ज्यादा महंगे शॉकर थे इसके, तो इसलिए मैंने इसको रिपेयर ही करवाया। तो शॉकर इसमें पुराने वाले ही डले हुए हैं। बाकी इसका जो एलॉय है ना एलॉय, ये देख रहे हो, जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो एलॉय जो था वो टेढ़ा हो गया था, तो मैंने इसमें एलॉय भी न्यू डलवाया हुआ है। डिस्क भी टेढ़ी हो गई थी तो डिस्क भी इसमें न्यू डलाई हुई है। और सर्विस वगैरह आपके भाई ने इसकी कर दी हुई है। और इसमें भाई मैंने ब्रेक पैड भी न्यू डलवाए हुए हैं, तो ब्रेक पैड भी सर्विस भी पूरी हो चुकी है। टैंक भी इसमें न्यू डला हुआ है, हेडलाइट भी न्यू डली है, इंडिकेटर भी न्यू डला है, मीटर भी न्यू डला है, इंडिकेटर भी न्यू डला हुआ है। तो मतलब कि अभी बाइक अपनी पूरी ओके हो गई है। तो फाइनली अपनी H2 आ गई है और अब से आपको भाई डेली व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं एक लॉन्ग राइड पे, ठीक है ना, हफ्ते की राइड रहने वाली हमारी। तो देख सकते हो एक बैग हमने इस पे बांध दिया, एक बैग भाई हर्ष बांध लेगा, सैम ने की है भाई पूरी पैकिंग, ठीक है ना, अच्छे से सैम ने बांधा हुआ है। तो एक बैग ये मेरा है, ये सैम का बैग है, ठीक है, ये हमारी हेलमेट वगैरह। और यहाँ पे ये सैम है। तो सैम क्या हाल है भाई, कैसा लग रहा है हमारी H2 आ गई? H2 बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो डेली व्लॉग ही होंगे भाई खतरनाक वाले। और गाइस यहाँ पे जिहान भी आ चुका है, तो जिहान ने भाई बहुत पहले भाई अपने लिए राइडिंग जैकेट लेके रखी थी, ये बोल रहा जब भी हम राइड पे निकलेंगे तब मैं न्यू राइडिंग जैकेट पहनूंगा। तो ये भाई पूरे गियर्स पहन, मेरे को H2 का वेट था, खाली इसको H2 का वेट था, पर अभी ये पूरे राइडिंग गियर्स पहन के आ गया। सामने भी राइडिंग गियर पहने। तो गाइस चलो अभी निकलते हैं, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट हो गया, हमने 7 बजे का निकलना था, मैंने इनको बोला था हम 7 बजे निकलेंगे, बट यार मेरे को कोई काम पड़ गया था जिसकी वजह से अभी हम निकल रहे हैं। कम से कम भी हमने 350 किलोमीटर राइड करनी है, तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो इसी के साथ हमारी भाई लॉन्ग राइड की पहली सीरीज स्टार्ट हो गई है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताना हमारा आज का वीडियो कैसा बना हुआ है। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से और मैं मिलता हूँ आपको सीधा अपने मोटो व्लॉग के सेट पे गाइस। 2000 years later. So, hey guys, अभी हमने अपना मोटो व्लॉग सेटअप पहन लिया। एंड गाइज यहाँ पे चेक मारो, यहाँ पे भाई हमने अपना लगेज बांध के रखा है, तो सैम का भी लगेज इसी में ही है। यहाँ पे हमारा टेंट है, तो हमने भाई कैंपिंग वगैरह भी करनी है, कुकिंग वगैरह भी करनी है। और यहाँ पे ये मेरा बैग है और सैम और जिहान चले गए हैं आगे, आप जी पे वो देख रहे हो वहाँ पे जा रहे हैं। तो अभी ना आपके भाई ने ना जम्मू से लेके ना बटोल तक ना कोई भी व्लॉग वगैरह नहीं किया, मैंने सोचा यार सीधा बटोल से करेंगे अपना व्लॉग स्टार्ट, बिकॉज यार आपको ना मैं रोज जम्मू रोज टनल दिखा के ना थक गया था, तो मैंने सोचा नई जगह से भाई अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जम्मू से लेके हमने यहाँ तक कितनी राइड की है, ये देख सकते हो मैंने ट्रिप 0 पे कर दिया था जब हम जम्मू से निकले थे, 103.8 किलोमीटर हमने राइड कर ली हुई है। तो अभी सैम को मैंने बैठा दिया भाई FZ के ऊपर जिहान के पीछे, तो अभी हर्ष मेरे साथ चलेगा। भाई उसके पीछे क्यों नहीं बैठे आप यार, कंफर्टेबल नहीं है ये बाइक, कैसी है मजा आ रहा है इसमें जाने में। अभी गाइज मैं तुम लोगों को बताऊं, हमने ना अपना लगेज वगैरह बांध के रखा है जिसकी वजह से अभी हमें थोड़ा बहुत ना दिक्कत हो रही है, बट चलो कोई नहीं हम भाई मर लेंगे एडजस्ट वगैरह। तो चलो अभी निकलते हैं, बहुत ज्यादा लेट हो चुका हुआ है। तो वो भी निकल गए हैं, वो सोच रहे होंगे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं वहां पे रुक के, तो मैंने बोला तुम चलो आगे फिर हम निकलते हैं, चल बैठ। तो हमारे आगे चल रहा है अभी आर्मी का ट्रक, तो आर्मी वालों को दिल से रिस्पेक्ट है भाई, हमारी सुरक्षा वगैरह करती है तो इनको दिल से रिस्पेक्ट है।
तो इनकी रिस्पेक्ट किया करे करो, जो बंदे भाई इनकी रिस्पेक्ट नहीं ना करते हैं तो तुम जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो भाई आराम से राइड कर पा रहे हैं। अगर पुलिस अपना 30% देती है ना तो 70% अपना आर्मी भी देती है, तो दिल से रिस्पेक्ट है इन लोगों के लिए। जहाँ पे हम जा रहे हैं ना तो वहाँ पे तो भाई इतनी ज्यादा स्नो पड़ी होगी ना, मजा आ जाएगा। एंड गाइस यहाँ पे ना जम्मू से ज्यादा सर्दी है यार, अभी पहले जम्मू में इतनी ज्यादा सर्दी थी, इधर गर्मी थी, अब इधर इतनी ज्यादा सर्दी हो गई है, जम्मू में गर्मी हो गई है। तो अभी मैंने अंदर से एक हुडी पहनी हुई है, एक शर्ट पहनी है और ऊपर राइडिंग गियर्स वगैरह पहने हैं, तब भी मेरे को इतनी ज्यादा सर्दी लग रही है। आप लोगों को बता दूं, हमने ना 400 किलोमीटर की राइड करनी है जम्मू से लेकर ना, हमने ना 400 किलोमीटर तक राइड करनी है। तो अभी हमने जम्मू से तो बटोर तक हमने 100 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया हुआ है, अब रह गया भाई 300 किलोमीटर। और अभी मैं आप लोगों को टाइम बताऊं, अभी टाइम क्या हो रहा है, दिन के 4, तो अभी ना मतलब कि पहुंचते पहुंचते ना हमें ना रात हो ही जाएगी, 10-11 बज जाएंगे। अभी हम जितना जल्दी कवर करेंगे उतना जल्दी पहुंचेंगे, पर इतना भी ज्यादा तेज नहीं चलाएंगे, ठीक है ना, आराम से पहुंचेंगे, थोड़ा लेट पहुंचेंगे पर आराम से पहुंचेंगे। H2 को चला के था, इतना ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूं ना, बहुत देर के बाद 4.5 महीने भाई कम नहीं होते हैं, बहुत सी दिक्कतें आई हैं भाई इन साढ़े चार महीने में ना। आपके भाई ने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, मेरा चैनल भी डिलीट हो गया, जो जो गलतियां की थी मैंने वो सारी इंप्रूव कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे करके, भाई सारी चीज़ें हम सीख जाएंगे, ठीक है ना। जो पिछले चैनल पे हमने गलतियां की थी ना, वो इस चैनल पे हम बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करके बंदा आगे आता ना, फिर जब उसका डाउनफॉल आ जाए ना तो बहुत ज़्यादा दुख होता है यार। थोड़े दिन पहले इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी, अब देख रहे भाई बर्फ़ वगैरह कुछ रही नहीं है, ये देख रहे छोटे छोटे से ट्रीज़ वगैरह कैसे इसके पत्ते जड़ गए हैं, देख रहे हो अभी बर्फ वगैरह पड़ती है ना तो इसके सारे मतलब कि ये जड़बड़ जाते हैं पूरे, पत्ते वत्ते रहते ही नहीं है। So well guys, अभी हम पहुंच चुके हैं भाई कुछ इस तरह की लोकेशन पे। एंड गाइज अभी हमने अपना बटोत क्रॉस कर दिया, तो अभी हम पहुंचने वाले हैं भाई असर बग्गा वाली साइड। तो गाइज अभी मैं तुम लोगों को बता ही देता हूँ कि अभी हम जा कहाँ पे रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं भाई किश्तवाड़ छात्रों वाली साइड। किश्तवाड़ के भी आगे ना वो कम से कम भी 120 किलोमीटर की दूरी पे है, और वहां पे जो आपको व्यू देखने को मिलेगा ना कसम से आंख फटी की फटी रह जाएंगी। और इधर ही इतनी ज्यादा ठंड है ना, तो उधर सोचो भाई कितनी ज्यादा सर्दी होगी। इधर भाई अगर आप टी शर्ट में अभी घूमोगे ना तो आपकी कुल्फी बनने वाली है, सीधी सी जो बात है। इधर माइनस में टेम्परेचर चले जाता है रात को, तो भाई उस साइड क्या बुरी हालत होगी। अभी मैंने ना अपना सामान ना उसी हिसाब से लाया हुआ है ताकि हम सरवाइव कर पाए वहां पे, बिकॉज हमने वहां पे कैंपिंग वगैरह भी जब करनी है ना रात को, तब ना और ज्यादा सर्दी लगने वाली है, क्योंकि हम रोड पे करेंगे और इतनी खतरनाक खतरनाक लोकेशन दिखाऊंगा ना आपको। तो ये वाली जो ट्रिप रहने वाली है ये कम से कम भी 4-5 दिन की रहने वाली है, फुल पावर, मजा आ जाएगा भाई। भी कह रहे हैं मंडे को बारिशें पड़ेगी, अगर बारिश पड़ेगी ना मंडे को तो इधर बर्फ भी पड़ जाएगी। अभी तो इधर यहाँ पे बर्फ वगैरह पड़ी नहीं है क्योंकि हम बहुत ज्यादा लेट जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम हफ्ते पहले आए होते ना तो आपको यहाँ पे बर्फ वगैरह भी देखने को मिलती, बट अभी यहाँ पे बर्फ का कोई सीन दिख नहीं रहा। आगे जाके आपको दिखाएंगे बर्फ वगैरह, अगर लाइव स्नो नहीं दिखाई तो ऐसे साइड पे जो नॉर्मल पड़ी होती है ना वो दिखाएंगे। और ये देखो भाई, और इस साइड का यार व्यू देखो कितना ज्यादा प्यारा है, और नीचे चिनाब आ रहा है भाई, नीचे चिनाब देखोगे ना कितनी डेप्थ है, कितनी जितना ये पहाड़ ऊपर है ना। हाँ डबल नीचे है। नहीं यार ये देख रहे हो गाइस, नीचे चिनाब बह रहा है और इतना गहरा ना ये, जितना ये पहाड़ है ना इसके डबल ले लो, इतनी नीचे इसकी डेप्थ होगी। देख रहे हो ग्रीन ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिखना ना, ये आपको भाई ये चिनाब है। बहुत ज्यादा रिस्की है भाई इस वाले रोड पे ना राइड करना। A few inches later. So well guys, अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। एंड गाइज अभी तक ना हमने ना डोडा भी कवर नहीं किया, और देख रहे हो भाई अंधेरा होने वाला है, अभी तक हमने डोडा भी क्रॉस नहीं किया, तो अभी हमने किश्तवाड़ भी करना है भाई, छात्रू भी करना है, तो मेरे ख्याल से हम 10-11 के करीब ही पहुंचेंगे। तो अभी हम सोच रहे हैं आगे ना खाना खाने के लिए रुकेंगे, क्योंकि यार अभी तक कुछ खाया भी नहीं और भूख इतनी ज्यादा लग रही है ना। बाकी ये रोड देख रहे हो भाई कितना ज्यादा खतरनाक रोड है यार। गाइस देख रहे हो भाई इन्होंने टिप्पर पे कितनी बड़ी जेसीबी बांध के रखी है, ये देख रहे हो। तो भाई ओ भाई रोड की हालत देखो भाई, पूरा रोड ना इन्होंने रोड की बैंड बजा दी गई है। इधर एक तो टनल का काम भी चल रहा ना, जिसकी वजह से ये रोड कभी ठीक ही नहीं होता, पता नहीं कब होगा ये रोड ठीक। आई थिंक ये कम से कम भी 3-4 सालों के बाद ही होगा भाई रोड ठीक। तेरे को क्या लगता है कब तक होगा ये रोड ठीक? 3-4 साल मैक्सिमम है ना। ओ भाई यहाँ पे स्लिप देख रहे कितनी है। गाइस अभी हम थोड़ा सा फंस चुके हैं ट्रैफिक में।
सो फाइनली गाइस अभी हम रुके हैं भाई फ्यूल पंप पे, तो अभी मैं सोच रहा हूँ यार अपनी बाइक में ना फ्यूल फिल करवा देता हूँ, क्योंकि आगे जाके मेरे को लगता है मुश्किल ही होगा फ्यूल वगैरह मिलेगा। और देख रहे हो भाई 3 साल रह गया और ये ना मीटर इसका फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी 2 साल थे अब भाई ये 3 साल हो गए, तो अभी मैं सोच रहा हूँ फुल करवा देता हूँ क्योंकि आगे हमें लगना ही लगना, तो इसलिए पहले ना फुल ही करवा देते हैं। गाइस अभी देख रहे हो हमने पूरा टैंक ना फुल करवा दिया हुआ है और अभी हमारा जो फ्यूल डला मैं आपको बताता हूँ कितना डला, 7.5 लीटर डला हुआ कुछ, और ये आया 723 का आया हुआ है। और यहाँ पे भाई पेट्रोल, भैया यहाँ पे पेट्रोल 99 है गाइस, यहाँ पे 99.81 लीटर है भाई पेट्रोल, हमारे जम्मू में भाई 96-95 का है भाई, यहाँ पे पूरा 100 रुपए लीटर है। हाँ कर दे, ऑनलाइन करेगा तू? ऑनलाइन कर दे, कैश उधर चाहिए होगा हमें।